चल जिनका जिक्र अभी किया नहीं, मैंने कर दिया जिक्र। हाँ आपने कर दिया। मैं अनुपम जी आपकी इजाजत के साथ। आदरणीय डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी से जो साहित्य अकादमी के सम्मानित सचिव, उन्हें निवेदन करता हूँ कि कृपया मंच पर पधारें। सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगी, मैंने एक कवि को शायद नहीं सुना। संजीव कौशल जी जब बोल रहे थे तब मैं बीच में आई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ सर। इस सत्र के अध्यक्ष और सारे कवि शायर पंजाबी उर्दू सभी के, और हमारे साथ विश्वविद्यालय से विद्यार्थी जो आए हुए हैं संस्कृत के, उन सबका आपने सबसे पहले मुझे मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं जैसे कि अनुपम जी ने बताया कि मूलतः संस्कृत की विद्यार्थी हूँ, संस्कृत पढ़ाती हूँ, थोड़ा बहुत हिंदी में भी लिख लेती हूँ। अभी मेरी NVT से ये किताब आई है जोड़ी। कुछ कविताएं आपकी इजाज़त से मैं संस्कृत में चाहूँगी, कुछ हिंदी में चाहूँगी। शुरुआत करती हूँ कुमार अनुपम जी की अंतिम पंक्ति से, जहाँ उन्होंने छोड़ा था अस्तित्व। मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, अछूत स्त्री, सभी युगों में मेरी दशा एक सी है। मैं स्त्री हूँ, अछूत स्त्री, सभी युगों में मेरी दशा एक सी है। चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या कलयुग, क्यों ना हो। चाहे सतयुग, त्रेता, द्वापर या कलयुग ही क्यों ना हो, मैं हिंदू हो जाऊँ, मुस्लिम कहलाऊँ, सिख, ईसाई या फिर बुद्ध, मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम, ईसाई, सिख या बुद्ध, मेरा अपना अस्तित्व तो कुछ नहीं है, मेरा अपना अस्तित्व तो कुछ नहीं। मैं एक स्त्री हूँ, सभी धर्मों में बैठा है मनु, सभी धर्मों में बैठा है मनु, घर हो या बाहर मैं कहीं भी नहीं हूँ, घर हो या बाहर मैं कहीं नहीं हूँ। मायके में पिता के नाम से, मायके में पिता के नाम से और ससुराल में पति के नाम से, बाहर जात से। जैसे कि अभी मैंने कहा कि मैं संस्कृत विद्यार्थी हूँ, संस्कृत की कविता आपकी इजाजत से मैं चाहूँगी, एकलव्य। कविता से पहले मैं एक टिप्पणी आपकी इजाज़त के साथ जरूर चाहती हूँ कि हमारा जो संस्कृत साहित्य है वो कुछ बिंदुओं को कहीं ना कहीं छोड़ देता है। आप मेरी बात से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन जो आज का जो आधुनिक संस्कृत साहित्य है वो आधुनिक समय के साथ कदम से कदम ताल मिलाकर चलना चाहता है। उन छूट गए बिंदुओं को अपने साहित्य में लेकर आने की कोशिश भरपूर है। इसी कोशिश का नतीजा है कि आज का जो आधुनिक संस्कृत साहित्य है वो महिलाओं के प्रश्न हों, SC ST OBC के प्रश्न हों, या जो वो जमात जिसका संस्कृत साहित्य में उस तरीके से उल्लेख नहीं आया, संदर्भों को छोड़ा दिया जाए अगर, तो उसी की एक कड़ी में एक मेरा छोटा सा प्रयास है। क्योंकि मेरी जो अपनी जो एक मेरी जो मास्टरी है एक तरह से वो संस्कृत में ही है, इसके बावजूद भी मैं ये कह सकती हूँ कि हो सकता है कुछ मेरा आंचलिक शब्दों का या फिर क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो, शब्द शायद उस तरीके से आप तक ना पहुँचे, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी। कविता का शीर्षक है एकलव्य। हमारे जो विद्यार्थी जो संस्कृत नहीं जानते और जो श्रोता हैं यहाँ, उनके लिए ये बताना चाहती हूँ कविता का वाचन करने से पहले कि जो एक मेरिट की बात आती है, हमारा ये मानना है कि आप एक लाइन बराबर की खींच के देख लीजिए, फिर हम मेरिट पे बात कर लेते हैं, हम उसमें पीछे नहीं हैं। उसी मेरिट पर आधारित जहाँ हम चर्चा करते हैं उसी का शीर्षक से एक कविता है एकलव्य। एकलव्य एकांकी नासित्वम्, एकलव्य एकांकी नासित्वम्, न च रिक्तम तदीयम तूर्णिमपि, तव शरी प्रतिविद्धा चित करोति संस्कृति सभ्यम अन्न जनः अंतम याति। परिवर्तते इतिहास विलुलिता बारिवर्ति संस्कृति ही,
परिवर्तित इतिहास विलूलिता वीरवर्ती संस्कृति वंचनम भाग्यदेयम इति प्राप्तम्। वंचनम भाग्यदेयम इति प्राप्तम् त्व पुरुजै तया स्वानि भाग्यानि परिवर्तानि प्रमाणयन्ति इमे वृक्षः पादपाश तथैव च। प्रमाणयन्ति इमे वृक्षः पादपाश तथैव ते शाखा प्रशाखा प्रणा प्रपणा शाखा प्रशाखा प्रणा प्रणा त्वतिक्षणै सरेणि पातिता भग्नः प्रमाणीकृता त्वया स्वप्रतिभा। प्रमाणीकृता त्वया स्वप्रतिभा इदानीं जायते तव नव अवतारः। इदानीं जायते तव नव अवतारः अतीतः सहस्रबद्धः अतीतः सहस्रबद्धः प्रमाणीकृष्यन्ति तथमिदं यत् अवश्यमेव लभते जन्तु तथमिदं यद् अवश्यमेव लभते जन्तु स्वकृतस्य कर्मणः फलं स्वकृतस्य कर्मणः फलं तेन कृतं प्रत्येकम् अन्यायः तेन कृतं प्रत्येकम् अन्यः तमेव प्रतिहन्त्या। ये कविता थी एक लघु। अगली मेरी कविता संस्कृत में ही है, हालांकि वो शब्द जिसका मैं जिक्र यहाँ पर अपनी कविता में करना चाहूँगी हमारे संवैधानिक संविधान के तहत वो नहीं आता, एक तरह से निषेध है, लेकिन क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो व्यवहारिकता में होती हैं, भले ही हम संविधान में उन शब्दों का प्रतिबंध करें लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि साहित्य में मिलती है और व्यवहारिकता में भी पाई जाती है, उसी के तहत मेरी ये कविता है भंगी महिला। भंगी महिला सहते मल वहन पीड़ा भंगी महिला सहते मल वहन पीड़ां उत्पायति समल करणम मस्तकं याति प्राप्यति करणम आजानुभाम तोलयन्ति उर्षा मस्तकं यावत् प्राप्यति करणम भंगी महिला। भंगी महिला तस्य उपरि पतति भंगी महिला तस्य उपरि पतति टप 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 मलमूत्र धारा कदाचित प्रोचति शाटिका प्रांते कदाचित प्रोचते शाटिका प्रांते कदाचित वस्त्रं प्राप्तं सजति क्वचित न प्रवहेत क्वचित न प्रवहेत क्वचित न प्रसरेत लज्जा सरसुखां विपणम। भंगी महिला प्राप्य कूडी स्वकालं विरमति भंगी महिला प्राप्य कूडीं स्वकालं विरमति स्थिरति भवति दृष्टिः स्थिरति भवति दृष्टिः चिन्त्यति भंगी महिला चिन्त्यति भंगी महिला किम् अहं मलमूत्रं अदापि ततोऽपि निमन्तरा किम् अहं मलमूत्र आदिभ्यो अपि निमन्तर अये मलमूत्रमपि मतो धन्यम् अये मलमूत्रमपि मतो धन्यम् यतः खलु शिरसि विराजते यतः खलु शिरसि विराजते सच उत्तोलयति मलमूत्र भारम सच उत्तोलयति मलमूत्र भारम चलति च तिलांजलि विसर्जनाय चलति च तिलांजलि विसर्जनाय तस्मै तथा कथिताय तस्मै तथा कथिताय सभ्य समाजाय धिक्कं च करोति चलति च तिलांजलि विसर्जनाय तस्मै तथा कथिताय सभ्य समाजाय धिक्कं च करोति वृषं हुंकारं विभ्रति व्यवस्थायां हुंकारं विभ्रति व्यवस्थायां स्थापितः सतत यातनायाः स्थापितः सतत यातनाः मूल्यं पृच्छति च विक्षिप्ति मलमूत्र भारं तत्र सभ्य समाजो मलमूत्र भारं तत्र सभ्य समाजो उपरि जिग्रक्षति अनावृत अवकाश स्वभागम अयि व्यवस्थाया ध्वजवाहका अयि व्यवस्थाया ध्वजवाहका सजिता भवति पश्य पश्य सा आगच्छति पश्य पश्य सा आगच्छति एका भंगी महिला पश्य पश्य
सा आगच्छति एका भंगी महिला हस्तयो मार्जनम विहाय। हस्तो मार्जनम विहाय लेखनीयम आदाय। हस्तो मार्जनम विहाय लेखनम आदाय एका भंगी महिला। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी हिंदी कविता के साथ समय सर है, आपकी इजाजत है तो मैं हिंदी कविता का वाचन करना चाहूंगा। जी हाँ जी। यह बतलाओ भूख से पीड़ित तुम्हारे बच्चों के शब्द कैसे हो। कविता का शीर्षक है यह बतलाओ। उस व्यवस्था के प्रति जो कहीं ना कहीं उस हिंसे का आसमान छीने हुए हैं। यह बतलाओ भूख से पीड़ित तुम्हारे बच्चों के शब्द कैसे होंगे। कैसे होंगे हर तमन्ना को दबाने वाले तुम्हारी लाडली के विचार। कैसे होंगे हर तमन्ना को दबाने वाले तुम्हारी लाडली के विचार। चलती सड़क पर मनमानी घोटने वाली तुम्हारी बहन की भाषा क्या सुंदर होगी। यह बतलाओ टीवी की शिकार तुम्हारी पत्नी की भाषा क्या होगी। यह बतलाओ टीवी की शिकार तुम्हारी पत्नी की भाषा क्या होगी। कैसे होंगे ऊंची ऊंची इमारतों को बनाने वाले तुम्हारे बाप दादाओं के विचार। कैसे होंगे ऊंची ऊंची इमारतों को बनाने वाले तुम्हारे बाप दादा के विचार। पुल के नीचे दम तोड़ते तुम्हारे भाई के शब्द क्या सुंदर होंगे। पुल के नीचे दम तोड़ते तुम्हारे भाई के शब्द क्या सुंदर होंगे। यह बतलाओ ब्लैक कार की शिकार तुम्हारी बहन की भाषा क्या होगी। यह बतलाओ ब्लैक कार की शिकार तुम्हारी बहन की भाषा कैसी होगी। कैसे होंगे गुलामी की जिंदगी जीने वाले। कैसे होंगे गुलामी की जिंदगी जीने वाले तुम्हारे बाप के विचार। ठाकुर की हवेली में दम तोड़ती तुम्हारी माँ के शब्द क्या सुंदर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।